रांची विश्वविद्यालय का ये सेंट्रल लाइब्रेरी है और यहाँ पे एक हादसा हुआ है, इसे लैप्स कहा जा सकता है। एक स्टूडेंट जो होनहार छात्र था उसकी जान चली गई है। आप देखिए ऊपर, ठीक हमारे जो आप देख सकते हैं जो रूफ है, रूफ कोलैप्स किया है। ये जिसको कि लोकल डायलेक्ट में हम छज्जा कहते हैं, वो झड़ कर गिरा है और सीधे यहाँ पे आकर एक स्टूडेंट जो यहाँ खड़ा था, जो साइकिल पार्क करने के लिए अपना आया था, उसके सर पे गिरता है। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा जो है बोल्डर वो उसके सर पे गिरता है, वो घायल होता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके चप्पल यहीं पड़े हुए हैं, कैप जो है वो यहीं पे पड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पे इस घटना के बाद छात्रों में काफी आक्रोश है, यहाँ जो पढ़ते हैं उन बच्चों में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पे जो है, बाकी जिस स्टूडेंट के लिए बनाया गया है उनके सेफ्टी और सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे जो है नाराजगी उनके अंदर कि आखिर इस तरह का अगर लैप्सेस होगा तो फिर बड़े सपने जो हैं वो कैसे पूरे होंगे, जब ये छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। जब ऐसे अगर गिरेगा तो एक ऐसा यूथ, एक बडिंग यूथ जिसके अंदर टैलेंट है, उसका टैलेंट तो क्रश हो जाता है, उसकी जान ही चली जाती है। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स लोग, आप लोग यही पढ़ते हैं सब? हाँ। क्या हुआ है घटना? घटना हुआ है सर, ऊपर का जो छत था वो नीचे आ गया, जिसके कारण छज्जा था, पार्ट था छज्जा रूफ। हाँ, वो लड़का साइकिल लगा रहा था, उसके सर के ऊपर आके गिर गया। उसके ऊपर गिर गया, मौत हो जाती है। वो यहीं पढ़ने वाला है? हाँ, यहीं पढ़ने वाला है। जेई का फिलहाल वैकेंसी आया हुआ था, झारखंड सरकार ने निकाली थी, उसका वो तैयारी करता था। जेई का जूनियर इंजीनियर जी। अच्छा, तो यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में आके पढ़ाई करता था वो। और आप लोग भी यहीं पढ़ते हैं? हम लोग भी यहीं के लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट है, हम लोग भी यहीं पढ़ते हैं। आप लोग ये देखिए यहाँ पे किस तरह, ये किसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट बोलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का ही फॉल्ट है। हाँ, समझे। क्योंकि वीसी को इस सब का निरीक्षण करके और जल्दी से जल्दी जो भी हो सकता था इसको सही करवाना चाहिए। हाँ, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हो जा रही है और वीसी अभी तक एक बार देखने के लिए भी नहीं आई है, तो ये कहीं ना कहीं तक दुर्भाग्य है हम लोगों का। हम लोगों का दिख रहा है अंदर में, हम लोगों का पीने के लिए पानी तक नहीं है। हम लोग दूसरे यहाँ पे श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी है, हम लोग वहाँ से बोतल लेके जाते हैं पानी लाने के लिए। और लाइब्रेरी का अंदर का क्या हाल है सर? वहाँ का तो मतलब देखिए कुछ वहाँ साफ सफाई भी नहीं था, हम लोग खुद चंदा करके करते हैं साफ सफाई। मतलब हम लोग खुद का अपने खुद से करते हैं कुछ भी नहीं। कितना लड़का है स्टूडेंट उसमें हम लोग चंदा उदा करके 10-20 होता है, उसमें साफ सफाई करवा लेते हैं। और यहाँ का मेंटेनेंस नहीं होता सर, पानी सर पीने के लिए पानी कितना दूर, हम लोग दूसरे यूनिवर्सिटी जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट जाते हैं पानी लाने के लिए। क्या बता रहे हैं? बाथरूम का तो सर अब खुद से अगर जाके देख लीजिए तो बाथरूम का, ये सिर्फ जो है एक शोपीस के रूप में यहाँ पे लाइब्रेरी खोल दिया गया है। बेसिक एमिनिटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वॉशरूम जो है उसका अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जर्जर स्थिति में है, डिलिपिटेटेड कंडीशन में है। जाहिर तौर पे उसके बाद जो है उसका रिजल्ट यही निकला है कि एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक होनहार छात्र जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, इंजीनियरिंग के नौकरी के झारखंड सरकार ने वैकेंसी निकाली थी उसके लिए वो तैयारी कर रहा था, और यहाँ पे आके साइकिल अपना जो है वो लगाता है पढ़ाई करने के लिए, अंदर जा रहा होता है, उस वक्त जो है ये दुर्घटना घटती है, उसकी मौत मौके पर ही हो जाती है। और उसके बाद ठीक हमारे पीछे देखिए छात्रों में आक्रोश है। ये सड़क जो मोराबादी से जोड़ता है इस पूरे इलाके को उसको जाम कर दिया गया है। तो नाराजगी छात्रों में कि आखिर इस तरह का अनदेखी क्यों, इस बात का इल्म नहीं है कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं रहेगा तो ऐसी घटनाएं जो है घट सकती है, उसको प्रीएम्प्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया, जिसका नतीजा सब कुछ सामने है, पब्लिक डोमेन में है, एक होनहार छात्र की मृत्यु हो गई है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।